सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपके अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नया अपडेट के साथ है, और आज हम दिखाने वाले हैं आपको गायघाट के पास में बन रहे न्यू कनेक्टिविटी का अपडेट। तो गायघाट के पास में ये जो आपको न्यू रैंप का वर्क हो रहा है, इसका ढलाई का वर्क कंप्लीट हो चुका है। किस हद से क्या है आपको पूरी अच्छे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर आपको गायघाट जाने वाला आपको गायघाट बाजार का एरिया हो गया, और इस साइड से भी दूसरा रास्ता ये खुल रहा है, और यहाँ से जो है ये आपको बार्गेनिंग कर दिया गया है। जो आपको गायघाट के पास में जो नया रैंप है ना, वहाँ जाने के लिए इस तरह से रास्ता अंदर की ओर है। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। तो ये दूसरा वाला जो रास्ता है, आपको पुराना वाला जो गायघाट के पास से रैंप है वहाँ से ये कनेक्ट होता है, और ये पुराना वाला रैंप है जिसके जरिए जो है दीदारगंज की तरफ से या कंगन घाट की तरफ से आने वाले लोग यहाँ से उतर जाएंगे, और जो नया वाला रैंप है जिसके जरिए आप जेपी गंगा पथ पे चढ़ सकते हैं, तो वो बगल से है, जिसका रास्ता भी कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे। तो चलिए चल के आगे चल के दिखाते हैं। तो अभी जस्ट अंदर में ही जो उस साइड से हम दिखा रहे थे, और वही रास्ता है जो आपको गायघाट के पास में जो सेकंड रैंप निर्माण हो रहा है, इस तरह से जो रास्ता है बना हुआ है, और ये पुराना वाला गांधी सेतु है और नया वाला गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज है, और जस्ट इसी के बगल से इस तरह से रास्ता है, और वहाँ से भी कट के जो है आपको वहाँ कॉर्नर से रास्ता निकलता है। चलिए दिखाते हैं। तो ये नया वाला रास्ता है जो कि आपको न्यू कनेक्टिविटी जेपी गंगा पथवे पे बन रही है, उसी के आने के लिए इस तरह से बनाई जा रही है। पहले हम जस्ट इस रैंप के नीचे से दिखा रहे थे जो कनेक्टिविटी है आपको गायघाट बाजार की तरफ से, उसका ये दिखा पा रहे थे, और देख सकते हैं किस हद से गंगा नदी का जो पानी में उफान आया हुआ है। तो बात करें तो ये गायघाट के पास में नया वाला रैंप है जिसके जरिए जो है आप गायघाट से आप इस न्यू रैंप के जरिए जेपी गंगा पथवे पे आ सकते हैं। और देख सकते हैं ये आपको रैंप जो है धीरे धीरे जेपी गंगा पथवे में आगे जाके अटैच होते जा रहा है, और उसके बाद आप इसके जरिए आसानी से इस जेपी गंगा पथवे पे आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे से चल के इस रैंप का हो रहे वर्क को अच्छे से आपको दिखाते हैं। का वर्क हम आगे से दिखाते हुए और बीच का भी दिखा दिए, और हम आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे आके ये जेपी गंगा पथवे के जस्ट ये बराबर हो जाता है ये रास्ता। अगर बात करें तो इस नए वाले रैंप के जस्ट बगल का देख सकते हैं, ये अभी साइड वॉल का वर्क नहीं हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो लास्ट में जहाँ से इसका ख़त्म होता है इस रैंप का, और यहाँ से इस तरह से बराबर हो जाता है, तो वहीं तक इसका वर्क अभी हो पाया है। तो वहीं तक जो है इसका साइड वॉल का भी वर्क हुआ है, बाकी ये सब जितना भी था बनने की वो बन चुका है। अब इसके ऊपर जो है आपको ये कंक्रीट का वर्क होने के बाद आपको महीन गिट्टी और अलकतरा का वर्क होगा, उसके बाद जो ये रोड बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर इस रैंप के बगल में बात करें तो देख सकते हैं पटना का गंगा नदी काफ़ी विकराल रूप ले चुका है। देख सकते हैं घाटों के ऊपर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे ही सही ये पानी ऊपर तक चढ़ चुका है, और जो पहले के खड़े होने वाले मतलब ये बनाए गए थे सीढ़ी वगैरह, मतलब घेर घाट के जो लोग खड़े होकर देखते गंगा के आरती वगैरह या घाट पे बैठ के अपना ये टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो हो गया आपको राजा घाट, ये हो गया गोसाई घाट, और आगे में इसी तरीके से हनुमान घाट और भी घाट ऐसे करके पड़ता है। तो इस तरह से देख सकते हैं पटना के गंगा नदी का जलस्तर। तो ये था दोस्तों पटना के गाय घाट के पास में बन रहे इस न्यू रैंप की कनेक्टिविटी के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी ऐसे ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।